Hello student, how are you? In previous video, we were discussing about climate. Today we were discussing about climate of India. Climate of India. India's climate is monsoon climate. Monsoon climate, but in he is divided in many climatic region. It is divided because of two determinant, temperature and second is rainfall. भारत की जलवायु इंडिया क्लाइमेट इज मॉनसून क्लाइमेट, लेकिन पूरे भारत में एक समान क्लाइमेट नहीं है। इसमें आगे आके कुछ क्लाइमेट में अलग रीजन बनते हैं, जैसे कि कोस्टल रीजन, डेजर्ट, जो ऊपर नॉर्थ में हिमालय के ऊपर, पोलर रीजन, मॉनसूनी क्लाइमेट। इसमें आगे फर्दर डिवाइडेशन हो जाता है, लेकिन हम बात करें होल इंडिया की, जिसमें पूरे भारत की बात करें, तो एक मानसूनी प्रकार की जलवायु आ जाती है। इसमें सबसे पहले इंडिया का क्लाइमेट डिवाइडेशन कोपेन महोदय ने किया, कोपेन 1900 ईस्वी में किया। ये एक फेमस ज्योग्राफर हैं, प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी। इन द यूनिवर्सिटी ऑफ गास यूनिवर्सिटी इन बर्लिन, और इसने अपने इस शोध को कई बार ठीक किया है क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन में। इसने मुख्यतः कोपेन महोदय ने इंडिया को 8 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया है। इंडिया में क्लाइमेटिक रीजन कोपेन ने क्लाइमेट को आइडेंटिफाई करने के लिए मेजर 5 पार्ट में डिवाइड किया है इंटू फाइव पार्ट। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वेयर टेम्परेचर इज मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस, मीन एवरेज ऑफ टेम्परेचर एवरी मंथ। मीन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हर मंथ में एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। मीन ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? ये हो गया हमारी अर्थ, इक्वेटर 0 डिग्री लाइन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जो इस 0 डिग्री के इक्वेटर लाइन के 5 डिग्री दिस साइड एंड 5 डिग्री दिस साइड, ये ट्रॉपिकल रीजन होता है। यहां पे पूरे साल 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अधिक रहता है। सेकंड आ गया ड्राई क्लाइमेट, कोपेन महोदय ने दूसरे नंबर पे क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट के बारे में बताया है। मीन
ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट के साथ कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में मिलते हैं, जैसे कि ये हमारा कोई कॉन्टिनेंट हो गया, ये इक्वेटर लाइन, मीन इक्वेटर लाइन के इस साइड में, वेस्टर्न साइड में ज्यादातर हमारे डेजर्ट मिलते हैं। आप कोई भी डेजर्ट को देख लो, आटाकामा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, वे कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में मिलते हैं, क्योंकि यहां से ओशियन करंट इस साइड में चलती है और यहां से ओशियन करंट इस साइड में चलती है। यहां से चलते टाइम ओशियन करंट वार्म होती है और यहां पे आते आते वो ठंडी हो जाती है। इस कारण विंड प्रेशर नहीं बन पाता और रेनफॉल अच्छी से नहीं हो पाती, जिस कारण ये एरिया ड्राई रह जाता है। इसको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एरिड और सेमी एरिड। मीन इसमें भी दो, जिसमें 50 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा और जिसमें 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा, इसको ड्राई क्लाइमेट के दो पार्ट में बांट दिया है। अब बात करते हैं, दो हो गए तो अब थर्ड आता है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, इस क्लाइमेटिक रीजन में एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ 18 डिग्री टू 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरीज करता है। मीन वार्म टेम्परेटिक क्लाइमेटिक रीजन में कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर 18 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में वेरीज करता है। फोर्थ आ जाएगा हमारा कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट। कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट में एवरेज टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ, कोल्डेस्ट नहीं यहां पे वार्मेस्ट मंथ, वार्मेस्ट मंथ 10 टू 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरीज करता है। फिफ्थ हमारा है आइस क्लाइमेट। कोपेन ने जो फिफ्थ क्लाइमेटिक रीजन बताया, आइस क्लाइमेट, मीन जो पोलर रीजन में होता है, पहाड़ियों के चोटी पे होता है, टॉप ऑफ हिल्स, जहां पे सारा साल बर्फ रहती है, इनमें वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर 10 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ 10 डिग्री से कम रहता है। अब बात करते हैं कोपेन महोदय ने इनको किन किन नाम से डिवाइड किया है। ट्रॉपिकल को कैपिटल ए से दिखाया गया है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट को बी से, वार्म
टेम्परेट क्लाइमेट को सी से, कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट को डी से, आइस क्लाइमेट को ई से दिखाया गया है। आइस क्लाइमेटिक रीजन को ई से दिखाया गया है। इसमें आगे फर्दर डिवाइडेशन की हुई है, मीन इसमें आगे स्मॉल लेटर्स भी आ जाएंगे, स्मॉल एफ। मीन आपको मोटे तौर पे यही याद रखना है, स्मॉल एफ आ गया मीन फुल रेन, फुल रेनी सीजन, फुल रेनी सीजन। स्मॉल एस आ गया तो मीन ड्राई इन समर सीजन, स्मॉल डब्ल्यू आ गया ड्राई इन विंटर सीजन, एम स्मॉल एम आ गया मॉनसूनी, मॉनसूनी रीजन, और स्मॉल जी आ गया गंगा प्लेन रीजन, और इसके बाद में एस स्मॉल ये बड़ा एस, इसमें कुछ बड़े अक्षर भी हैं कैपिटल, स्टेपी रीजन, स्टेपी जो कि सिर्फ ड्राई क्लाइमेट में ही होता है, स्टेपी ये ट्रॉपिकल में इतने भागों में आके फर्दर डिवाइड हो जाता है, स्टेपी एरिड और एरिड। इसमें सिर्फ मेन इतने ही आते हैं। अब बात करते हैं कोपेन ने जो इंडिया को मेन 8 क्लाइमेटिक रीजन में बांटा है वो किस प्रकार है। कोपेन ने इंडिया को मेन 8 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया है, ये हो गए हमारे 8 क्लाइमेटिक रीजन, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया। We are discussing about monsoon and tropical region. Where is AMW? ये इंडिया के वेस्टर्न घाट और गोवा की साइड होता है, मीन इसमें गोवा और वेस्टर्न घाट के एरिया जाते हैं। इंडिया में स्थान पे कौन सा होगा, मॉनसून विथ शॉर्ट ड्राई सीजन AMW, इस एरिया में ये सीजन आता है। मेन तौर पर इसको हम लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए क्या करेंगे, जो बिल्कुल इसमें आसान है पहले उन पॉइंट्स को लेके चलते हैं। सबसे पहले हमें दो एरियो के बारे में पता होता है, एक तो है मरुस्थली एरिया और दूसरा है पोलर एरिया। मरुस्थल एरिया इंडिया के किस साइड में है, वेस्टर्न साइड में, मीन इसमें पंजाब का कुछ पश्चिमी क्षेत्र, कुछ हरियाणा का और राजस्थान का और कुछ गुजरात का, इस प्रकार से इसमें आता है। ये है हमारा इंडिया का एरिड क्लाइमेट। ये फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया है, वो कौन सा है, एरिड स्टेपी क्लाइमेट और सेमी एरिड क्लाइमेट। मीन इसमें इस हिसाब से बांटा गया है, ये तो आ गया हमारा एरिड क्लाइमेट BWHW, और जो इस साइड में आ गया वो होगा सेमी एरिड, ये सेमी एरिड एरिया। मीन सबसे पहले हमें बात का पता चल गया इंडिया में कैसा क्लाइमेट है, हम दो के बारे में पहले से कंफर्म है कि ये कि डेजर्ट एरिया है, और दूसरा आ गया पोलर रीजन। पोलर रीजन में कौन से आएंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड का कुछ एरिया जो इसमें आता है, ये आ जाएंगे हमारे पोलर रीजन में।
और बात करते हैं CWG एरिया, मॉनसून विद ड्राई विंटर। ये जो हमारा इंडिया इस साइड का एरिया आता है नॉर्थन एरिया, ये CWG में आता है, मीन इसमें विंटर सीजन शुष्क होती है और समर सीजन में रेन होती है। अब बात करते हैं AS की, मॉनसून विद ड्राई समर। AS के बारे में हम बात करेंगे, मीन जिसका समर ड्राई हो और जो मॉनसून आए वो विंटर सीजन में आए। ये जो हमने बताया था जिसमें साउथ वेस्ट मानसून के कारण रेनफॉल होता है वो एरिया AS में आ जाएगा, इंक्लूड होगा, वो AS में होगा। ये हमारा हो गया AW, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। ये जो इसके इसमें एक एरिया ये भी आएगा सेमी एरिड एरिया, जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में होगा। इसके अलावा जो एरिया बचा है वो आ जाएगा ट्रॉपिकल सवाना AW में, AW में ट्रॉपिकल सवाना, जहां पे विंटर सीजन ड्राई होता है। इस पूरे एरिया में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस क्षेत्र में विंटर सीजन ड्राई रहता है, बिल्कुल ड्राई रहता है, कोई भी चांस नहीं है इसमें रेनफॉल होने का। यह हमारा BWSW एरिड क्लाइमेट आ गया, BWSW। एक हमारा रह गया ह्यूमिड विंटर विद दैट समर, DFC। ये हमारा आ गया ह्यूमिड विंटर शॉर्ट समर, जहां पे समर शॉर्ट होती है। कोपेन के अकॉर्डिंग हमने क्लाइमेट रीजन को बांटा है। आज लगभग हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो मैसेज करके या फोन कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर कुछ मिसअंडरस्टूड है, जो आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं है, तो आप उसको फोन करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।